NAS 2021 का जो पेपर है साइंस का, क्लास 8 का मैं एक पेपर लेके आया हूँ जो साइंस का है। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके आप आंसर देखें और उनको समझें। पहला प्रश्न पूछा है सूक्ष्म जीव क्या है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है उनमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, बाकी हम इसकी परिभाषा आपको बताएं। सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिनको हम अपनी आँखों से साधारण रूप से नहीं देख सकते हैं, है ना। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना होगा, यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। तो ये पूछ रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या है। पहला प्रश्न देखिए, वे जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीव तो वो होते हैं जिनको यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यंत्र कौन सा है ये भी क्लियर नहीं है, तो इस ऑप्शन को सही नहीं मान सकते। दूसरा है जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। अब यहाँ ठीक है कि सूक्ष्म जीवों को हम आँखों से नहीं देख सकते, है ना। और तीसरा है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। आँखों से सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो सौ ऑप्शन है जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। तो आँखों से देख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता भी होगी। तो सौ ऑप्शन भी इतना सही नहीं लग रहा है। तो इसका हम सही जवाब दें अगर जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु मतलब वायरस, वायरस से होने वाले रोग जुकाम, खांसी, पोलियो और खसरा, ये तीनों हैं। तो इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा द, उपरोक्त सभी। जीवाणु के प्रकार कौन कौन से हैं। जीवाणु के प्रकार स्पाइरल, छड़नुमा, गोल, ये तीनों ही होते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन आ जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 4, शैवाल जीव कैसे होते हैं। शैवाल जीव जो होते हैं वो, अब शैवाल का मतलब होता है काई। आपने देखा होगा बरसात के दिनों पर छतों की दीवारों पर जम जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की या हरी कलर की, तो उसे काई कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो वो स्वपोषी भी होती है, एक कोशी की भी होती है और बहुकोशी की भी होती है, इसके लिए इसका उत्तर भी आ जाएगा दो, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बनिक अपशिष्ट क्या होते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट का मतलब होता है जिनका विघटन हो जाता है, विघटन मतलब सड़ गल के ये प्रकृति में या मिट्टी में समा जाती है। तो इसमें हम कौन कौन से पदार्थ देख सकते हैं, सब्जियों के छिलके, बिल्कुल सही है, सब्जियों के छिलकों से हम सड़ा के जो गला के खाद बना सकते हैं। जंतुओं के अवशेष, कोई भी जंतु होता है मृत हो जाता है तो वो भी सड़ गल के मृदा में समा जाता है। विष्ठा का अपघटन, विष्ठा का मतलब होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ मनुष्य के शरीर से निकलता है तो उसका भी अपघटन होकर खाद बन जाती है ना, गोबर है जैसे, और इंसान का जो अपशिष्ट है वो सब। तो यहाँ पर कार्बनिक अपशिष्ट के लिए उपरोक्त सभी आंसर राइट होगा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणुओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जीवाणुओं का उपयोग औषधि निर्माण, कृषि, मृदा की उर्वरता की वृद्धि, सभी के लिए किया जाता है, इसके लिए यहाँ भी उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर स, जो दूध दही में दूध होता है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, मैदे के आटे में किण्वन में कौन सहायक है। मैदे के आटे को किण्वन कौन करता है या फर्मेंटेशन कौन करता है, तो मैदे में होता है, मैदे में अगर आप ईस्ट मिलाओगे यीस्ट तो वो उसको किण्वित कर लेगा, किण्वन करने से उसकी ब्रेड या केक वगैरह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है। यानी आप देखिए रोटी वगैरह ब्रेड होती है तो उस पर कौन आक्रमण, आक्रमण का मतलब होता है उस पर क्या जम जाता है ना, अगर कुछ समय तक खुली रख दी जाए तो उस पर जमेगा आपका कवक, या इंग्लिश में कहेंगे उसे फंगस। आपने भी देखा होगा कोई रोटी खाने के डिब्बे में 3-4 दिन रह जाती है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक कलर का लेयर जम जाता है, उसे हम फंगस या कवक कहेंगे। प्रश्न नंबर 10, भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है। भोजन का संदूषण, संदूषण का मतलब होता है उसका खराब हो जाना, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ब। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं।
सीधी बात है, प्राकृतिक शब्द से पता चल रहा है कि जो रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशे, प्रकृति मतलब कि पौधे और जीव जंतु, इन दोनों से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशे कहेंगे। तो पहला ऑप्शन देखें, रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखें ब, रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तीसरे में लिखा है रेशे जो मनुष्य बनाता है। तो मुझे तो लग रहा है ए, अ और ब, जो पौधों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका द, इसमें दोनों लिखा है अ व ब दोनों, है ना। तो 11वें का उत्तर हो गया डी। रेयन किस प्रकार प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो रेयन हमें प्राप्त होता है कास्ट लुगदी से, है ना। 12वें का आंसर हो गया डी। प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा आपका है रेयन। क्वेश्चन नंबर 14, नायलॉन रेशा किस प्रकार का है या कैसा है? तो नायलॉन प्रबल, हल्का, प्रत्यास्थ, तीनों है। मजबूत भी है, हल्का भी है और इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ में इलास्टिक खींच भी जाता है ये, है ना। तो सबसे बढ़िया रेशा है ये नायलॉन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 15वां क्वेश्चन, चट्टान पर चढ़ने के लिए किसके लिए रस्से किससे बने होते हैं? देखिए, चट्टान पर चढ़ना है तो हमें मजबूत रस्सा चाहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी जो पढ़ा अपन ने, नायलॉन, ऑप्शन अ। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, ठीक है। पीईटी, पेट क्या है? तो पॉलिएस्टर रेशा है, ये भी एक तरह का पॉलिएस्टर रेशा है। एक्रेलिक रेशे से क्या क्या बनता है? तो एक्रेलिक जो होता है उससे बनता है स्वेटर, कंबल और शॉल, तीनों बनते हैं। कौन से रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक रेशा होगा उसको गर्म करोगे तो वो बुरादे के रूप में हो जाएगा। जैसे आप रुई को जलाइए तो बुरादा बन जाएगा। लेकिन जो कृत्रिम रेशे होंगे उनको आप जलाओगे तो पिघल जाते हैं, प्लास्टिक जैसा जलता है वो, है ना। तो रेयन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, इसका आंसर होगा एक्रेलिक, ठीक है। रेयन कास्ट लुगदी से बनता है तो वो जल जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। पॉलिएस्टर में भी कॉटन होता है इसलिए वो भी नहीं होगा। आंसर होगा स, एक्रेलिक। लास्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण। तो सर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हो जाएगा आपका बेकेलाइट और मेलामाइन, ए और ब दोनों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बीस का स। इस तरह से साइंस का ये पेपर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।